किया वो वाकई प्रेरणादायक है। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जब एक मां आपका माथा चूम करके आशीर्वाद दे रही है, जब मलबे के नीचे दबी मासूम जिंदगी आपके प्रयासों से फिर खिलखिला उठी, मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पूरा देश गर्व से भर रहा था। वहां गई भारतीय टीम ने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का भी जो समावेश किया है वो अतुलनीय है। ये तब और भी बहुत काम आता है जब व्यक्ति ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, जो कोई अपना सब कुछ गंवाकर होश में आने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसी परिस्थितियों में सेना के हॉस्पिटल और उसके हमारे कर्मियों ने जिस संवेदना से काम किया वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है। साथियों, 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था और उसे पिछली शताब्दी का बहुत बड़ा भूकंप माना जाता था, ये तो उससे भी कई गुना बड़ा है। जब गुजरात का भूकंप आया तो मैं बहुत लंबे समय तक वहां एक वॉलंटियर के रूप में बचाव कार्यों में जुड़ा था। मलबा हटाने में जो दिक्कतें आती हैं, मलबे में लोगों को खोजना कितना मुश्किल होता है, खाने पीने की दिक्कत कितनी होती है, दवाइयों से लेकर अस्पताल की जो जरूरत होती है, और मैंने तो देखा था भूज का तो पूरा अस्पताल ही ध्वस्त हो गया था, यानी पूरी व्यवस्था ही तबाह हो चुकी थी, और उसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है। वैसे ही जब 1979 में गुजरात में ही मोरबी में मच्छू डैम जो बांध टूटा और पूरा गांव पानी से तबाह हो गया, पूरा शहर मोरबी तबाही मची थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे, एक वॉलंटियर के रूप में तब भी मैं वहां महीनों तक रहकर के ग्राउंड पर काम करता था। मैं आज अपने उन अनुभवों को याद करते हुए कल्पना कर सकता हूं कि आपकी मेहनत कितनी जबरदस्त होगी, आपका जज्बा, आपकी भावनाएं मैं भली भांति फील कर सकता। आप काम वहां करते थे, मैं यहां अनुभव करता था, कैसे करते होंगे। और इसलिए आज तो मौका है कि मैं आपको सैल्यूट करूं, और मैं आपको सैल्यूट करता हूं। साथियों, जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं, लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वो सेल्फलेस होता है। ये बात व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रों पर भी लागू होती है। इसलिए भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ सेल्फलेसनेस की पहचान को भी सशक्त किया है। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी है। तो हालात
ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जो सीरिया का उदाहरण बताया कि जो बक्से में जो ध्वज लगा था, बक्सा उल्टा था तो ऑरेंज कलर नीचे था, केसरिया रंग नीचा था, तो वहां के नागरिक ने उसको ठीक कर करके और गर्व से कहा कि मैं हिंदुस्तान के प्रति आदर से धन्यवाद करता हूं। तिरंगे की यही भूमिका हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में भी देखी, जब भारतीय नागरिकों के साथ साथ संकट में फंसे अनेक देशों के साथियों के लिए भारत का तिरंगा ढाल बना, ऑपरेशन गंगा सबके लिए आशा बन करके उसने एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की। अफगानिस्तान से भी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हम अपनों को सकुशल देकर लेकर के वापस आए, हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया, हमने यही कमिटमेंट कोरोना वैश्विक महामारी में देखा। अनिश्चितता भरे उस माहौल में भारत ने एक एक नागरिक को स्वदेश लाने का बीड़ा उठाया, हमने दूसरे देश के बहुत से लोगों की भी मदद की। ये भारत ही है जिसने दुनिया के सैकड़ों जरूरतमंद देशों को जरूरी दवाएं वैक्सीन पहुंचाई, इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना है। साथियों, ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। दुनिया में कहीं भी आपदा हो, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार मिलता है। नेपाल का भूकंप हो, मालदीव में, श्रीलंका में संकट आए हो, भारत सबसे पहले मदद के लिए आ गया है। अब तो भारत की सेनाओं के साथ साथ एनडीआरएफ पर भी देश के अलावा दूसरे देशों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। मुझे खुशी है कि बीते वर्षों में एनडीआरएफ ने देश के लोगों में एक बहुत अच्छी साख बनाई है। देश के लोग आपको देखकर ही, कहीं पर भी संकट की संभावना हो, साइक्लोन हो, जब जैसे ही आपको देखते हैं तो आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। संकट की किसी घड़ी में, चाहे वो साइक्लोन हो, बाढ़ हो या फिर भूकंप जैसी आपदा, जैसे ही एनडीआरएफ की वर्दी में आप और आपके साथी फील्ड पर पहुंचते हैं, लोगों की उम्मीद लौट आती है, विश्वास लौट आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब किसी फोर्स में कुशलता के साथ संवेदनशीलता जुड़ जाती है, उसका एक मानवीय चेहरा बन जाता है, तो उस फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एनडीआरएफ की इसके लिए मैं विशेष रूप से प्रशंसा करूंगा। साथियों, आपकी तैयारियां को लेकर देश आश्वस्त है, लेकिन हमें यही नहीं रुकना है। हमें आपदा के समय राहत और बचाव के अपने सामर्थ्य को और अधिक बढ़ाना है। हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राहत और बचाव दल के रूप में अपनी पहचान को सशक्त करना होगा। और इसलिए मैं जब आपसे बात कर रहा था तो लगातार पूछ रहा था कि अन्य देशों के लोग जो आए थे, उनका वर्क कल्चर, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनके इक्विपमेंट, क्योंकि
ट्रेनिंग जब फील्ड में काम में आती है तो शार्पनेस और बढ़ जाती है। इतना बड़ा हादसा आपके पहुंचने से एक प्रकार से एक संवेदना के नाते, जिम्मेवारी के नाते, मानवता के नाते हमने काम तो किया, लेकिन हम बहुत कुछ सीख करके भी आए हैं, बहुत कुछ जान करके भी आए हैं। इतनी बड़ी भयानक कैलेमिटी के बीच में जब काम करते हैं तो 10 चीजें हम भी ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं ऐसा ना होता तो अच्छा होता, ये करते तो अच्छा होता, वो ऐसा करता है चलो मैं भी ऐसा करूं, और वही हमारी क्षमता भी बढ़ाता है। तो 10 दिवस तुर्की के लोगों के लिए तो हमारा दायित्व तो हम निभा रहे हैं, लेकिन वहां जो हमने सीखे पाए हैं उसको हमने डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बारीकी से डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, और उसमें से हम क्या नया सीख सकते हैं। अभी भी कौन सी ऐसी चैलेंजेज आती हैं कि जिसके लिए हमें हमारी ताकत और बढ़ानी पड़ेगी, हमारी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे इस बार हमारी बेटियां गई, पहली बार गई, और मेरे पास जितनी खबर है कि बेटियों की मौजूदगी ने भी वहां के नारी जगत के अंदर एक और विश्वास पैदा किया, वो खुल करके अपनी शिकायतें बता पाई, अपना दर्द बता पाई। अब पहले कभी कोई सोचना नहीं था कि भाई इतना बड़ा कठिन काम है, इन बेटियों को क्यों परेशान करें, लेकिन इस बार निर्णय किया गया और हमारी बेटियां भले संख्या हमारी सीमित लेके गए थे, लेकिन वहां पर नाता जोड़ने में हमारा ये इनिशिएटिव बहुत काम आया जी। मैं मानता हूं कि हमारी अपनी तैयारी जितनी बेहतर होगी, हम दुनिया की भी उतने ही बेहतर तरीके से सेवा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है साथियों, आप बहुत कुछ करके आए हैं और बहुत कुछ सीख करके भी आए हैं। आपने जो किया है उससे देश का मान सम्मान बढ़ा है, आपने जो सीखा है उसको अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए हम एक नया विश्वास पैदा करेंगे, और मुझे पक्का भरोसा है आपके हर एक के पास एक कथा है, एक अनुभव है, कुछ न कुछ कहने को है। और मैंने पूछता रहता था, मुझे खुशी होती थी कि हमारी टोली के लोग सब सलामत रहे, तबीयत भी अच्छी रही, क्योंकि ये भी चिंता रहती थी कि बहुत ही वेदर टेम्परेचर समस्याएं, और वहां कोई व्यवस्था नहीं होती, जहां इस प्रकार का हादसा होता है वहां से संभव ही नहीं होता है, किसी के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कठिनाइयों के बीच भी काम करना, और आप देश के नाम को रोशन करके आए हैं और बहुत कुछ सीख करके आए हैं जो आने वाले दिनों में काम आएगा। मैं फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं आज आप आज ही आए हो, थक करके आए होंगे, लेकिन मैं लगातार पिछले 10 दिन आपके संपर्क में था, जानकारियां लेता रहता था, तो मन से मैं आपसे जुड़ा हुआ था, तो मेरा मन कर गया कि घर बुलाऊं आपको, आपका अभिनंदन करूं, इतना बढ़िया काम करके आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सबको सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद।